नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के ओर से बहुत ही एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आ रही है। यदि आप सभी नहीं जानते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, खास करके उन कैंडिडेटों के लिए जो रिजेक्टेड फॉर्म वाले हैं। तो उनके लिए ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आ रही है, ज़बरदस्त खुशखबरी आ रही है। क्या है ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, ज़बरदस्त खुशखबरी? यदि दोस्तों आप सभी नहीं जानते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाले, बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जो 31 अगस्त हो चुके हैं और रेलवे के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जारी किए गए थे कि आप सभी का रिजल्ट जो है हम एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से 31 अगस्त तक हम आपको रिजल्ट के माध्यम से पहुंचा देंगे कि आपका फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया कि रिजेक्ट किया गया। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, उन सारे दोस्तों के लिए बधाई हो कि आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आ रही। आखिर रेलवे के द्वारा जो है मॉडिफिकेशन लिंक कब तक जारी किए जाएंगे? क्या दोबारा मॉडिफिकेशन लिंक जारी किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? इसी को लेकर हम आप सभी के पास यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से यहां पर मॉडिफिकेशन लिंक को जारी किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। ये सारे मैटर आपको यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आप सभी के पास यहां पर प्रस्तुत करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म को भरे हैं और यदि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए गए, तो रेलवे के द्वारा एक ज़बरदस्त खुशखबरी जो है निकल के आ रही। ज़बरदस्त जो है खुशखबरी क्या है आई, इसी के विषय में हम वन बाय वन करके आप सभी के पास प्रस्तुत करेंगे और चर्चा करें। आखिर मॉडिफिकेशन जो लिंक है कब तक जारी किए जाएंगे, कब तक जारी किए जाएंगे? क्या मॉडिफिकेशन लिंक दोबारा जारी किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? आज के वीडियो में हम इसी की बात को लेकर चर्चा करने वाले। तो चलिए एक बार रेलवे की ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये रेलवे की ऑफिशियली वेबसाइट है। यहां पर जो है रिजेक्टेड को लेकर यहां पर किसी भी प्रकार का न्यू अपडेट अभी तक जो यहां पर जारी नहीं किए गए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो अभी तक कोई जारी नहीं किए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मॉडिफिकेशन लिंक जो आप सभी के लिए ज़रूर से ज़रूर आप तक प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ कैंडिडेटों का आपको एक्सेप्ट भी कर लिए जाएंगे। आप सभी को पता है कि रेलवे के द्वारा जो है कुछ दिन पहले एक क्यूरी मांगे गए थे कि इस प्रकार से आप अपने क्यूरी को हमारे पास सबमिट करें। उस क्यूरी को जो है रेलवे के द्वारा सभी कैंडिडेट का मिल चुके हैं। यहां पर आपको बता दें 1 करोड़ से प्लस जो लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किए थे, तो उन सभी में से जो है 4 लाख कैंडिडेटों को वहां पर छाँट दिए गए। 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेटों को यहाँ पर छाँटे गए। तो क्यूरी लेने का मतलब यह है कि 4 लाख जो फॉर्म थे, वो 4 लाख फॉर्म को वहाँ पर उनके क्यूरी के माध्यम से पता चल गए कि किन किन कैंडिडेटों को रिजेक्ट कर दिए गए। तो उन सभी को दोबारा से जांच किए गए हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि आप सभी के लिए जो है एक इन्फॉर्मेशन यहां पर निकल के आ रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, 1 से 2 दिन के भीतर आपको मॉडिफिकेशन जो लिंक जो है रेलवे के द्वारा जो यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे, जिससे आप आसानी से रेलवे की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आप अपने मॉडिफिकेशन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी को दोस्तों एक बार बता दें कि आप सभी अपने अपने ईमेल एड्रेस को जरूर से ज़रूर एक बार जाकर चेक करें, क्योंकि 1 से 2 दिन के भीतर सभी को ईमेल जो है भेजा जाएगा और सभी को मैसेज भी भेजे जाएंगे। इसीलिए आप एक बार नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको अभी तक मॉडिफिकेशन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई लिंक जारी किए गए या नहीं किए गए, ये नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, क्या आपको मोबाइल में किसी भी प्रकार का कोई मैसेज आया है रिजेक्टेड को लेकर? ये भी बात जरूर से ज़रूर आप बताइएगा। और आपको बता दें कि रेलवे पहले ही आपको बता दिए कि हमारा जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो लगातार आप विजिट करते रहे। हम कभी भी आपको इसके बारे में जानकारी दे दें, तो आपको भी बता दें कि आप सभी अपने अपने रेलवे का जो बोर्ड है, उस बोर्ड का वेबसाइट को आप जरूर से जरूर विजिट करते रहे। 1 से 2 दिन के भीतर आपको एक लिंक जारी किए जाएंगे, जिसमें आप सभी अपने अपने मॉडिफिकेशन लिंक के माध्यम से आप अपने
जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि फ़ोटो प्रूफ हो चाहे आपका सिग्नेचर प्रूफ हो, सारे के सारे अपलोड करने के लिए, री अपलोड करने के लिए आपको दिए जाएंगे। उसके बाद भी यदि आप गलती करते हैं तो दोबारा आपको मौका नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों है ना काफ़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो कि आप सभी के पास यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, क्योंकि काफ़ी लोग आज जो है 31 तारीख हो गए थे और रेलवे के द्वारा कोई बड़ी अपडेट नहीं निकल के आ रहे थे, जो कि यह एक बहुत ही उन सारे कैंडिडेटों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर है जिनका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 31 तारीख को। तो आज 31 तारीख हो चुके हैं लेकिन अभी भी रेलवे के द्वारा ऑफिशियली वेबसाइट पर अपडेट नहीं आए, लेकिन दोस्तों 1 से 2 दिन के भीतर आपको मिल जाएंगे इसकी अपडेट देखने के लिए। हो सकते हैं तो आज शाम तक ही आपको एक नोटिस जारी किए जाएंगे, इसके साथ साथ आप सभी के पास मेल भी मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से रेलवे SSC बैंक की पल पल खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले दोस्तों। नीचे कमेंट लिखे क्या मॉडिफिकेशन लिंक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर छोड़ें, ताकि यह भी जान पाए कि आखिर कितने लोग चाहते हैं कि दोबारा से मॉडिफिकेशन लिंक को दिया जाए और कितने लोग नहीं चाहते हैं, वे भी कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर बताइए। दोस्तों फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, कोई एक नई मनोरंजन इंटरेस्टेड वीडियो के साथ बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।